तो दोस्तों फाइनली मैंने आप लोगों के लिए ख़रीद लिया है एक न्यू कैमरा जो कि सोनी का है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने मेरे पास से एडजस्ट करके ख़रीदा है क्योंकि अभी यूट्यूब का पेमेंट अपने पास चालू नहीं हुआ है। तो वैसे तो मैंने कैमरे की अनबॉक्सिंग पहले ही कर ली थी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि कौन सा कैमरा है, क्या ब्रांड का है, कैसी पिक्चर क्वालिटी, तो इसके लिए आज करते हैं इसको फिर से अनबॉक्सिंग ताकि आप लोगों को भी मैं दिखा सकूँ। तो वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कैमरे के हर स्पेसिफिकेशन के बारे में, कैसा है, क्या पिक्चर क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों कैमरा है सोनी का A6100 मॉडल, ये मॉडल ख़रीदा है मैंने। तो इस टाइप का मिलता है आपको बॉक्स जिसपे ऊपर एक तो कैमरे का फ़ोटो मिलता है, इसके साथ जो किट लेंस आता है उसका फ़ोटो मिलता है, 64 GB मेमोरी कार्ड इनसाइड का ब्रांडिंग है, 2 ईयर वारंटी है। उसके बाद इस टाइप अगर बॉक्स को करते हैं तो इस टाइप का साइड में से आपको बॉक्स मिलता है, इस साइड में मिलती है आपको मंथ ईयर ऑफ फैक्चरिंग वगैरह की, कब मैन्युफैक्चर किया गया है, क्या प्राइस है वगैरह वगैरह, इस टाइप सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। और बॉक्स के इस साइड में जो भी मतलब कैमरे के मोस्ट जो फीचर्स हैं उनको दिखाया गया है कि जिसमें है 24.2 मेगापिक्सल, ISO 11 फ्रेम्स पर सेकेंड, फेज डिटेक्शन, 425 ऑटो फोकस पॉइंट, रियल टाइम आई ऑटो फोकस, रियल टाइम ट्रैकिंग, साइलेंट शूटिंग, टच फोकस शटर, और जो और भी बाकी क्वालिटी है, डॉल्बी ऑडियो, वाईफाई सर्टिफिकेट, ब्लूटूथ वगैरह, OLED, मल्टी इन HDMI वगैरह वगैरह, इस टाइप का आपको बॉक्स मिलता है। और इस टाइप का कैमरे के बारे में नॉर्मल जो बॉडी डिटेल्स वगैरह है वो आपको मिलेगी। तो उसके बाद करते हैं कैमरे को अनबॉक्स, वैसे तो पहले मैंने कर लिया था लेकिन फिर भी एक बार तो करते हैं दोस्तों कैमरे को ओपन। इस टाइप का मिलता है आपको बॉक्स, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मिलेगी, नोट वगैरह, तो इसको खोलते हैं। आपको मिलता है इस टाइप के जो भी, एक तो मिलता है आपको सोनी का एसेसरीज वगैरह की, क्या क्या एसेसरीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद ये आपको हर देश की अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से कैमरे की डिटेल्स आपको मिलती है, जिस देश में आप रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज यूज करके इसको आप पढ़ सकते हैं, तो इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद आपको यूजर मैनुअल मिलेगी, इसको पढ़ के आप, अगर कैमरे के बारे में नॉलेज नहीं है तो इसको पढ़ के आप सारे नॉलेज और इसको आप खुद ही सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है रेफरेंस गाइड, ये भी आपको एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी इंट्रोडक्शन इसमें मिलेगा, जो कि पढ़ के आप इसको सेफ्टी का इश्यू देख सकते हो कि क्या क्या किन चीज़ों से अपने को दूर रखना है। ये भी वही लैंग्वेज वाला है जो कि किन किन देशों की लैंग्वेज है। उसके बाद आपको मिलता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वारंटी कार्ड, इस टाइप का आपको वारंटी कार्ड मिलेगा। उसके बाद करते हैं बॉक्स को ओपन इस टाइप से। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ का बॉक्स खाली क्यों है, तो यहाँ पे जो आपको ये जो लेंस दिख रहा है ये लेंस भी इसके साथ आता है दोस्तों। तो एक लेंस तो जो कैमरे के साथ आता है किट लेंस, उसके अलावा एक ये वाला जो लंबा वाला जूम लेंस है वो यहाँ पे रखा हुआ आता है, लेकिन इसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसको नहीं लिया दोस्तों, तो इसकी प्राइस मेरे कम हो गई है। फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कितने का पड़ा इससे, तो क्या चीज़ है। उसके बाद ये मिलता है आपको चार्जर, इस टाइप का आपको चार्जर मिलेगा जो कि, उसके बाद सादा पोर्ट जो सी पोर्ट तो नहीं है लेकिन USB चार्जर है, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि आपको बैटरी निकाल के चार्ज नहीं करना पड़ेगा, इसको कैमरे को आप मोबाइल की तरह चार्ज कर सकते हैं और आप इसे पावर बैंक से भी यूज कर सकेंगे, जो कि इसके लिए बहुत अच्छा फीचर है। इसको भी रखते हैं साइड में। यहाँ पे आपको सोनी ओरिजिनल मेमोरी कार्ड हियर, मतलब यहाँ पे मेमोरी कार्ड रखा हुआ था जो कि मैंने कैमरे में डाल दिया है, 64 GB का आपको मेमोरी कार्ड मिलता है। उसके बाद इस टाइप के बॉक्स में मिलता है आपको कैमरा, बॉक्स को रखते हैं अपन साइड में। ये स्ट्रिप भी आपको इसके साथ मिलती है जो कि साइड में रखी हुई आती है, लेकिन मैंने इसको कैमरे के साथ पहले ही अटैच कर लिया था। तो दोस्तों इस टाइप का मिलता है आपको कैमरा, जो कि इस टाइप की इतनी सी 3 इंच की आपको स्क्रीन मिलती है, इस टाइप का फ्रंट से लुक मिलता है, यहाँ पे आपको केप लगी हुई मिलेगी लेंस प्रोटेक्ट के लिए, या आपको किट लेंस मिलता है जो कि
0.25 mm का है, और यहाँ पे मिलेगी आपको सोनी की ब्रांडिंग, इस टाइप का आपको ग्रिप मिलेगा जो कि अच्छा ग्रिप है, और ये 4K वीडियो क्वालिटी का कैमरा है दोस्तों, जो कि 4K 30 फ्रेम रेट में रिकॉर्ड कर सकता है। अभी बाद में बात करेंगे इसकी पिक्चर क्वालिटी के बारे में। और दोस्तों ये कैमरा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये मल्टी यूज कैमरा है, इसमें पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब अपन फोटोशूट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और वीडियो क्वालिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसका वीडियो स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है। अगर पोर्ट की बात करें तो इसमें है, यहाँ पे मिलते हैं आपको साइड पोर्ट, तो ये मिलेगा आपको चार्जिंग पोर्ट, ये वाला चार्जिंग पोर्ट है, उसके बाद ये वाला है HDMI केबल पोर्ट, ताकि इसे आप TV या लैपटॉप वगैरह किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, अगर आपको एक्सटर्नल माइक लगाना है तो इसमें आप लगा सकते हैं। और इसमें सभी माइक चलते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई सा भी माइक, कोई कोई इसमें प्रोफेशनल माइक ही सपोर्ट करेगा। मैंने कल इसमें बोया का M1 जो माइक था मेरे मोबाइल से, मैं जो यूज करता था वो माइक भी यूज करके देखा है, तो उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद आपको छोटा सा एक स्पीकर भी मिल जाता है, यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रही है, छोटा सा स्पीकर है, ताकि आपको अगर कोई वीडियो वगैरह लेते हैं, आपके पास कोई ऑडियो या किसी चीज़ में फाइल लेके नहीं देखना है, तो आप यहीं से ऑडियो भी सुन सकते हैं। उसके बाद ऊपर आपको इस टाइप के अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो वीडियो वगैरह। ये तो अभी मेरे को भी फर्स्ट टाइम कैमरा लिया है दोस्तों, तो मेरे को भी सीखने में टाइम लगेगा, जो मेरे को पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको एक्स्ट्रा जो फ्लैश लाइट लगाने का ऑप्शन है इस जगह पे, और सबसे अच्छी बात कि इसकी स्क्रीन टिल्टेबल है। अपन इसको यहाँ से इस टाइप से अगर अपन ब्लॉगिंग करते हैं तो इस टाइप से इसको फ्रंट में भी कर सकते हैं। तो ये देखो, ये इसका स्क्रीन आ चुका है फ्रंट में, तो अपन इसके इससे ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ट्राईपोर्ड लगा के, और फ्रंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसके फ़ोटो कैप्चर करके वीडियो वगैरह। तो दोस्तों अभी जो वीडियो प्ले हो रहा है, ये वीडियो फुल HD में रिकॉर्ड हो रहा है, और जो मैं बोल रहा हूँ ये जो मतलब कैमरे का जो माइक्रोफोन है उसी से आपको वॉइस आ रही है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि पिक्चर क्वालिटी कैसी आ रही है, इसके बाद फिर मैं कुछ क्लिप्स डालता हूँ 4K वगैरह में, और कुछ पिक्चर्स डालता हूँ कि कैसी है इसकी पिक्चर क्वालिटी, जो कि आप देख लेना। उसके बाद बात करेंगे प्राइस के बारे में कि मेरे को ये कितने का पड़ा। तो अभी बताओ कैसी आ रही है पिक्चर क्वालिटी, उसके बाद फिर माइक लगा के भी वीडियो सुना देंगे आपको। तो दोस्तों बताओ कैसे लगे आपको पिक्चर्स, स्लो मोशन और 4K वीडियो, फुल HD वीडियो, तो जैसे भी लगे हो कमेंट करके बताना। तो वो इसी जो कैमरे सोनी अपना कैमरा है उसी से शूट किए गए थे, आपको दिखाने के लिए मैंने डाले थे। तो अभी जो मैं जो बात कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन मैंने लगा रखा है एक्स्ट्रा वाला जो 3.5 mm का है जो, तो इससे भी बताना कि ऑडियो कैसी आ रही है। तो अब फाइनल बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसके साथ जो मैंने आपको बताया था कि वो एक एक्स्ट्रा लेंस आता है, तो उसकी प्राइस कट करके मेरे को ये 65,000 का पड़ा, मतलब कि 65,000 रुपये का। बैटरी इसकी दोस्तों 2-3 घंटे आराम से चल जाती है, मतलब अगर वीडियो अपन शूट करते हैं तो 2 घंटे तो मान ही लो आप, 2 घंटे तो फुल चार्ज होने के बाद चल जाती है, और फोटोग्राफी में 3 से 4 घंटे आराम से ये ले लेता है। और अगर बैटरी चार्ज होने के टाइम की बात करें तो 2 घंटे के आसपास इसको चार्ज होने में लगते हैं। तो बताओ कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट, और कमेंट करके बताना, और बताओ पिक्चर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी कैसी लगी।